उन्नाव उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध जिला में से एक है। इस शहर को झघीला का शहर भी कहा जाता है। इस शहर में गंगा नदी और साई नदी बहती हैं। मान्यता है कि यही गंगा नदी के किनारे बैठकर महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी और इसी स्थान पर लवकुश ने राम जी की सेना को हराया था। आइए जानते हैं उन्नाव में घूमने वाली जगह कौन कौन सी है। अब अगली जगह है बलखंडेश्वर मंदिर। बलखंडेश्वर मंदिर उन्नाव शहर का एक सुंदर मंदिर है। यह मंदिर से भगवान शिव जी को समर्पित है। यह मंदिर उन्नाव शहर के पास परियार में स्थित है। यहाँ पर आप घूमने के लिए आ सकते हैं और इस मंदिर को देख सकते हैं। यह मंदिर प्राचीन है। मंदिर में शिवलिंग विराजमान है। अब अगली जगह है कल्याणी देवी मंदिर। उन्नाव का एक अन्य प्रसिद्ध मंदिर कल्याणी देवी मंदिर है। भगवान कल्याणी को समर्पित है उन्नाव रेलवे स्टेशन से केवल 2 किलोमीटर दूर स्थित यह मंदिर विशाल भीड़ को आकर्षित करता है। यह उन्नाव के दर्शनीय स्थल में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब अगली जगह है शिव मंदिर। उन्नाव के दर्शनीय स्थल में से एक शिवाजी का मंदिर है जिसे महादेव मंदिर भी कहा जाता है। 100 साल पहले निर्मित इस मंदिर के बुनियादी ढांचे में अद्वितीय नक्काशी है। मंदिरों की दीवारों को एक सुंदर तरीके से बनाया गया है। यह मंदिर मोती नगर क्षेत्र के पास स्थित है। अब अगली जगह है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य। नवाबगंज उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक देखी जाने पक्षी अभयारण्य से एक है। यह अभयारण्य उन्नाव के पास कानपुर लखनऊ राजमार्ग के बीच स्थित है। यह अभयारण्य उन्नाव के दर्शनीय स्थल में प्रमुख स्थान रखता है। इस नवाबगंज पक्षी अभयारण्य को चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। अब अगली जगह है सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर उन्नाव शहर का एक प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर शिव भगवान जी को समर्पित है। यह मंदिर बहुत ही सुंदर है। मंदिर का शिखर बहुत ही आकर्षक लगता है। यह मंदिर प्राचीन है। इस मंदिर परिसर में और भी बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं। अब अगली जगह है बदरका हरबंस। बदरका हरबंस का गांव अनावनो रायबरेली रोड के 3 किमी पश्चिम की दूरी पर अचलगंज के पास उन्नाव से करीब 11 किमी दक्षिण में स्थित है। इसकी स्थापना 1643 ईस्वी में शाहजहां की अदालत के एक अधिकारी राजा हरबन ने की थी। अब अगली जगह है कुशहरी देवी मंदिर। कुशहरी देवी मंदिर उन्नाव का एक प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर कुशहरी देवी को समर्पित है। मंदिर में कुशहरी देवी की बहुत सुंदर प्रतिमा के दर्शन करने के लिए मिलते हैं। एक कुंड बना हुआ है। यह कुंड चकोर आकृति में बना हुआ है। अब अगली जगह है बक्सर। उन्नाव जिले के दक्षिणतम गांव बक्सर गंगा के बाएं किनारे पर स्थित है। कहा जाता है कि यह जगह एक संस्कृत शब्द बकराम से अपना नाम प्राप्त करने के लिए कहा जाता है जो एक राक्षस बाका के निवास को दर्शाता है। अब अगली जगह है दुर्गा मंदिर नवाबगंज। दुर्गा मंदिर उन्नाव का एक प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर उन्नाव के नवाबगंज में स्थित है। यह मंदिर प्राचीन है। कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना परशुराम जी के द्वारा की गई है। इस मंदिर में दुर्गा जी की बहुत ही भव्य प्रतिमा के दर्शन करने के लिए मिलते हैं। अब अगली जगह है गायत्री शक्तिपीठ। गायत्री शक्तिपीठ उन्नाव शहर का एक धार्मिक स्थल है। यह मंदिर गायत्री माता को समर्पित है। इस मंदिर में गायत्री माता की बहुत ही भव्य प्रतिमा के दर्शन करने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर शंकर जी के भी दर्शन करने के लिए मिलते हैं। यह मंदिर उन्नाव शहर में शुक्लागंज बालू घाट के पास स्थित है। अब अगली जगह है माँ चंडिका देवी मंदिर। यह मंदिर उन्नाव शहर का एक प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर उन्नाव शहर में बक्सर में स्थित है। इस मंदिर को बक्सर धाम के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर एक सिद्ध पीठ मंदिर है। इस मंदिर में माँ चंडिका एवं माँ अम्बे दोनों की मूर्ति देखने के लिए मिलती है। दोनों की मूर्ति धातु की बनी हुई है।